बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए अब 20 से भी कम दिन बच गए हैं। इसी बीच बिहार बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे को मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार भाजपा ने एक प्रस्ताव रखा है जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में 20 से ज्यादा रैलियां करेंगे। अहम बात यह है कि इन रैलियों में पीएम मोदी उन सीटों पर भी प्रचार करेंगे जहाँ चिराग के उम्मीदवार नीतीश के उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। मसला ये होगा कि केंद्र सरकार में रामविलास पासवान अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में रैलियों में क्या पीएम एलजेपी पर हल्ला बोल कर पाएंगे या फिर बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा। बिहार भाजपा के प्रस्ताव के मुताबिक 20 अक्टूबर के बाद से पीएम मोदी की रैलियां शुरू हो सकती हैं। इस दौरान 15 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 20 से ज्यादा चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसमें से कुछ रैलियों में सीएम नीतीश भी उनके साथ मंच पर रहेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र के जारी होने के बाद ये रैलियां शुरू हो सकती हैं। जेडीयू के सीट बंटवारे की व्यवस्था के तहत पीएम की रैलियों को उन क्षेत्रों में भी कराया जा सकता है जहां जेडीयू उम्मीदवार मैदान में हैं। बड़ी वजह यह है कि जहां जहां जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे हैं वहां एलजेपी भी विरोध में कैंडिडेट खड़े कर रही है। जाहिर है कि पीएम की रैलियों में जेडीयू भी एलजेपी को सीधा जवाब देना चाहती है। इससे बीजेपी और जेडीयू में एकता का संदेश देने को भी कोशिश की जाएगी। पीएम की रैलियों में बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों के उम्मीदवारों की मंच पर रहेंगे। पीएम मोदी ने पिछले बिहार चुनाव में रिकॉर्ड 31 रैलियां की थी जब भाजपा ने राज्य में अकेले चुनाव लड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनावों में पीएम ने जेडीयू के साथ बिहार में 10 रैलियां की थी। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लोक शक्ति पार्टी को कड़ा संदेश दिया है। बीजेपी ने चिराग पासवान और एलजेपी को संदेश दिया है कि वह बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर वोट नहीं मांग सकते हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि एलजेपी के साफ तौर से कहा गया है कि वह बिहार चुनाव में किसी भी किस्म से बीजेपी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि बिहार में दोनों पार्टियां अलग अलग दमखल में खड़ी हैं। एलजेपी से कहा गया है कि उनकी पार्टी के किसी बैनर, पोस्टर या भाषण में पीएम मोदी और बीजेपी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। जब कोई पार्टी एनडीए से अलग हो गई है तो उसे किसी भी किस्म से पीएम मोदी के नाम को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।